विद व्हील्स, लेकिन हम उसको खींच के टो करके लेके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आप अगर सिर्फ इवेंट्स करते हैं या केटरिंग करते हैं तो ट्रेलर बेटर है आपके लिए। तीसरा ऑप्शन, अगर आप कहते हैं कि आपके पास अपनी जगह है या आप किसी रेंटेड जगह जैसे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्तों हम आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड, और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूं आहार 2023 में, और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं और एक ऐसे स्टॉल पर लेकर आ गए हैं जो मूवेबल किचन मैन्युफैक्चर करते हैं और डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चर करते हैं। आज इन्हीं से बात करने वाले हैं, अगर आपको इन सारे प्रोडक्ट्स की नीड है तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर हेलो सर, कैसे आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे? फाइन सर, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना सर। सो मेरा नाम पार्थ सचदेवा है और कंपनी का नाम शिकवील है, एंड हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम लोग की 4-5 प्रोडक्ट कैटेगरीज है, जैसे कि फूड ट्रक्स, फूड ट्रेलर्स, कियोस्क एंड किचन इक्विपमेंट। बेसिकली मैं आपको एक बेसिक सा डिफरेंस बताता हूँ। अगर आप कहते हैं आपको हर रोज़ अप एंड डाउन करना है, गो फॉर अ फूड ट्रक विच मीन्स इंजन के साथ है ड्राइवेबल। आप कहते हैं आपको कभी कभी मूव करना है, वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ, गो फॉर अ ट्रेलर मॉडल विच इज़ विद व्हील्स, लेकिन हम उसको खींच के टो करके लेके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आप अगर सिर्फ इवेंट्स करते हैं या केटरिंग करते हैं तो ट्रेलर बेटर है आपके लिए। तीसरा ऑप्शन, अगर आप कहते हैं कि आपके पास अपनी जगह है या आप किसी रेंटेड जगह जैसे मॉल, एयरपोर्ट, ऑफिस कॉम्प्लेक्स के पास करना चाह रहे हैं तो गो फॉर अ कियोस्क ऑप्शन। एंड फिर हम लोग किचन इक्विपमेंट्स भी करते हैं होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के, इंडस्ट्रियल किचन में, इन ये सारी चीज़ों के। एंड हमारे साथ बेनिफिट क्या है, इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, सारी चीज़ें हम लोग करते हैं आपके हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से प्लान करते हैं और करके देते हैं। जी सो बेसिकली अगर किन्हीं को नीड है तो आप उनसे पूरी काउंसलिंग करते हैं, उनकी ज़रूरत समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा। हमारे साथ क्या होता है, वी हैव अ स्पेशल टीम हु प्लान्स द इंटायर लेआउट। सो आपके इनपुट्स के बाद हमारी टीम पूरी की पूरी यू नो किचन प्लानिंग करती है, चीज़ें करती है, एंड देन आपको बताती है कि क्या साइज़ आपके लिए सूटेबल है। उसके बाद जितना भी आप डिज़ाइन देख रहे हो सारा हमारे इन हाउस डिज़ाइन है, हमारे पास अपनी सारी टीम्स हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी वर्किंग करके एक ब्यूटिफुल सी लुक एंड फील देती है, क्योंकि एक कहावत है जो दिखता है वो बिकता है। सो उसी हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग करी जाती हैं। तो जैसे इस वैन की अगर बात करें, काफ़ी खूबसूरत भी दिखने में लग रहा है, तो क्या क्या इसके अंदर खासियत क्या क्या होने वाली है? सो अगर ये आप देखेंगे तो एक बहुत यूनिक सा और डिफरेंट सा डिज़ाइन है, एकदम आई कैची है। सो अगर आप इसको क्रॉस कर रहे हैं, कोई बंदा जा रहा है तो पलट के मुड़ के दिखता ज़रूर है। सो हमने अभी इसके अंदर क्या किया, हम अलग अलग सेटअप्स कर सकते हैं। अभी इसमें एक मल्टी क्यूजिन सेटअप हमने दे रखा है, जिसके अंदर हमने पूरा कुकिंग बैटरी दे रखी है, 2 बर्नर्स है, दिस अ हॉट प्लेट जो उसके अंदर है, फिर अपना अंदर फ्रायर्स है, फ्राई डंप है, दिस अ मेक लाइन अंडरनीथ, हम लोगों ने अवन दे रखा है। जैसे अभी आप देख रहे हैं आगे की तरफ, हम लोगों ने 2 कोल्ड यूनिट्स दे रखे हैं जिसके अंदर आप एक वेज और नॉन वेज हम लोगों ने सेग्रेट करके दिखा रखा है, और सेंटर वाला जो पोर्शन है वो डिस्पेंसिंग है। सो ये जितना ही अभी आप देख रहे हैं सारा कोल्ड यूनिट्स है, सब रेफ्रिजरेटेड है, जिसके अंदर अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप बर्गर्स कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, आप कस्टमर्स चॉइस से अपनी बता सकते हैं मुझे ये चीज़ उसमें डालनी है। तो उस तरीके से पूरा हम लोगों ने सारा सेटअप दे रखा है। एंड अगर आप देख रहे हैं बहुत ही स्पेशियस है, एंड छोटी छोटी डिटेल्स माइन्यूट सी फिनिशिंग्स की है। सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो जो प्रॉपर सेफ्टी फीचर्स हैं, सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हम इसमें देते हैं, प्रेशर गॉज है जो भी आप सामने देख पा रहे हैं, जिसका मतलब जब सिलेंडर्स ख़त्म होने वाले हैं वो आपको इंडिकेट करेगा, बताएगा कितनी गैस है उसके अंदर, और रात को जब आप शट कर रहे हैं सेफ्टी के लिए आप उसे कट ऑफ करके जा सकते हैं कि कोई भी लीकेज ना हो और कोई बड़ा हादसा ना हो। तो ये पूरी कुकिंग बैटरी है जो अभी आप देख रहे हैं, और सारा इंसुलेटेड है, इवन द इंसुलेशन इज़ वेरी इफेक्टिव, कि आपको पता है ओपन में बाहर गर्मी है, धूप है, सो जो हार्श वेदर है वो अंदर नहीं आएगा, और जो अंदर हमारी टीम काम कर रही है उनको एक बहुत कंफर्टेबल सा एटमॉस्फेयर मिलता है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, अगर हम अपनी टीम का ध्यान रखेंगे तभी वो अच्छे से बेच पाएंगे, सो बहुत ज़रूरी है। और जैसे अगर सेटअप करते हैं, आप चूल्हा लगाते हैं, किस किस टाइप के चूल्हा होते हैं या कस्टमाइज्ड बेस्ट होता है कि आप? सर सारा कस्टमाइज है, आप कहते हैं मुझे चाइनीज़ बेचना है तो मैं चाइनीज़ के साथ दूंगा, आप बोलोगे इटालियन बेचना है तो मैं इटालियन के हिसाब से दूंगा, आप बोलोगे मुझे क्वांटिटी करना है मैं वो दूंगा, इवन डेजर्ट्स, आइसक्रीम्स, कुछ भी इसके अंदर कर सकते हैं, पूरा शेक का हो सकता है, कोई रिजॉर्ट वाला अगर अपने यू नो पूल साइड पे बार बनाना चाहे तो इसमें बहुत खूबसूरत बार भी बन सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अच्छा, तो ये यहाँ पर ये इसे खींच कर आप ट्रॉली बेस्ड? जी, जो ये वाला सेटअप है वो एक ट्रेलर मॉडल है जो हम टो कर सकते हैं खींच के। अगर सिमिलर मॉडल आपको अगर ट्रक पे चाहिए तो हम इंजन के ऊपर भी ये चीज़ बना सकते हैं। और अभी जो आपको सामने चीज़ दिख रही है इसे कहते हैं कियोस्क।
ये अभी आप देख रहे हैं, ये एक चाय की केतली की शक्ल में हमने बनाया, विच इज़ अ वेरी यूनिक डिज़ाइन अपने आप में, कि देख के लगती है कि क्या चीज़ है। तो उस तरीके से हम कोई भी शेप्स वगैरह कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे हमें यू नो बिरयानी के लिए हांडी बनानी है, वो बन सकती है, कॉफ़ी का कप बन सकता है, इवन मोमो की शेप में बन सकता है। अगर कोई मोमो का ब्रांड अपने लिए ऐसा कुछ करना चाह रहा है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। एंड पूरा फुली इक्विप्ड है, अगर आप इसमें देखेंगे अंदर से तो एक एक चीज़ है, चाय और चाय के साथ जितनी खाने की चीज़ें होती है उस चीज़ के हिसाब से सारा यूटिलाइज। अब जैसे आपको पता है बन मस्का चलता है साथ में, आपका मैगी वगैरह काफ़ी चलती है, पूरा हमने कोल्ड बेवरेज स्टेशन भी दे रखा है जिसमें आप मॉकटेल शेक्स वगैरह आप अपना कर सकते हैं, मिक्सी है अंदर, टोस्टर है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इवन एक पॉजिटिव वाला फ्रिज और एक फ्रीज़र दोनों लगाए हुए हैं इस पूरे सेटअप में, और आप देख पा रहे हैं जैसे बहुत अच्छे से स्पेस यूटिलाइज करिए सो दैट एक छोटी जगह में बहुत कंफर्टेबल और इजी वर्किंग कर पाए आप लोग। तो ये जहाँ पर फिक्स्ड एरिया है वहाँ पर आप ये इसे लगा जी, जो अभी ये सेटअप आप देख रहे हैं फिक्स्ड एरिया में आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये भी मूवेबल हो सके तो वो भी हो सकता है। उस तरीके के भी हमारे पास ऑप्शंस है जिसमें हम लोग उस तरीके से कर सकते हैं। और ये तो हमने मॉडल्स है, और जैसे आपने वहाँ पर दिखा रखा है ट्रक, सो अभी जो आप हमारे आसपास देख रहे हैं वो है किचन इक्विपमेंट। ये भी एक कैटेगरी जो हम करते हैं, आपका रेस्टोरेंट है, आपका कैफ़े है, आपका कोई इंडस्ट्रियल किचन है, या जैसे आजकल क्लाउड किचन चल रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं। तो जहाँ भी कमर्शियल किचन होता है वो हम लोग पूरा करके देते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे अभी आप देख रहे हो तो बहुत सोफिस्टिकेटेडली सारी चीज़ें एस्थेटिकली प्लान करते हुए हम लोगों ने पूरा एक सेटअप दिया है जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं पूरा। ये क्लाउड किचन में हो सकता है, रेस्टोरेंट में हो सकता है, कैफ़े में हो सकता है, जैसे अलग अलग है। उल्टा तवा का पराठा, टकाटक दे रखा है हमने, बर्नर रेंजेस है, ऊपर पैन हैंगिंग अरेंजमेंट भी दे रखी है। नीचे अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर रेफ्रिजरेशन यूनिट है। अच्छा, तो बहुत अच्छे से स्पेस को यूटिलाइज करते हुए हम लोगों ने सारा किया है। अलग अलग चीज़ें इसके अंदर हम लोग दिखाते हुए पूरी कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके का, जैसे मैंने बोला आपका रेस्टोरेंट है, जो भी आप खाना बेचना चाह रहे हैं वो हम इसमें कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अगर आप फूड इंडस्ट्रीज में किसी भी तरह से आना चाह रहे हैं तो आप आ सकते हैं, और आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल कोई भी बंदा जो फूड इंडस्ट्री में है या कुछ नया करना चाह रहे हैं वो हमें रीच आउट करें, हम उसे पूरी मदद करके गाइड करेंगे कैसे चीज़ की जाए। सो ये जो आप पीछे देख पा रहे हैं ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने करे, अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे चाय पॉइंट का है, या हम लोगों ने गोवा एयरपोर्ट, अगर आप कभी गए हैं तो ये आपको ज़रूर दिखा होगा, अलग अलग चीज़ें हैं। ये हम लोगों ने एक क्लाइंट को करके दिया है गोवा के अंदर, ये बनारस है, ये आपको बड़ी सारी जगहों पे दिखेगा, एरो सिटी में, साइबर हब, वन होराइजन, काफ़ी सारे इस तरीके के बनाए हैं। अलग अलग चीज़ें, ये हैदराबाद का है, ये पुणे में है, ये बॉम्बे है, ये मैसूर है। सो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो हम कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ भी आपको चाहिए, चाहे आपको टॉप नॉर्थ, इवन लद्दाख तक हम लोगों ने अपने ट्रक्स बना के भेजे हैं। तो ये तो जैसे मॉडल्स की बात हुई, एक प्रोसेस क्या रहता है अगर किन्हीं को बनवाना है तो वो आपसे बात करे तो उनका प्रोसेस क्या रहता है? सर प्रोसेस बहुत सिंपल रहता है, आपको सिर्फ ये बताना बेचना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, बस उसके बेसिस पे हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप कैसे करें और क्या करें, फिर हमारी टीम आपको गाइड करती है पूरी प्रोसेस में किस तरीके से करना है, क्या आपके लिए सूटेबल है, किस बजट में आपके लिए हो पाएगा, उसके हिसाब से हम आपको पूरा गाइड करते हैं, और एंड प्रोडक्ट मतलब बनने तक पूरा सपोर्ट देके बना के फाइनल प्रोडक्ट हम आपको देते हैं। अच्छा, और उसके बाद भी अगर सर्विसेज, वारंटीज, वो सब? सर सर्विसेज हमारी सारी रहती है, एक साल की पूरी वारंटी है, वन ईयर वारंटी है अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अगर कोई भी चीज़ में दिक्कत होता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग है आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो हमने कई बड़ी सारी कंपनियों के लिए किया, जैसे आपने देखा चाय पॉइंट के लिए हमने किया, हल्दीराम्स को हमने बना के दिया है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ डंकिन को बनाया है, अलग अलग चीज़ें डोमिनोज के लिए भी चीज़ करी है, काफ़ी जो नेम ब्रांड है उनके साथ आप काम कर चुके हैं। बिल्कुल, उसी से आप पता लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे आपसे, कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे? तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे कर सकते हैं, और मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा, मैं अपना कार्ड दिखा देता हूँ कि आप उस पे नंबर है और डिटेल्स है, आप वहाँ पर हमें रीच आउट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, ये आपको सामने नंबर दिख रहा है, यहाँ कॉल कर लीजिए, या इंस्टाग्राम पे, या मेल के थ्रू आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। एंड सर एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि आजकल के ज़माने में मोबिलिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि रेंटल्स और चीज़ें इतनी हाई हो चुकी है कि इट्स द नीड ऑफ एन आर।
एंड इतनी सुंदर है, अगर आजकल के आप यंगस्टर्स को देखोगे, लोगों को देखोगे, उन्हें डिफरेंट चीज चाहिए, नया स्टार्टअप आ रहा है, चीज आ रहा है, तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। और जमाना क्या है, कस्टमर आपके पास चल के नहीं आ रहा, आप कस्टमर के पास चल के जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो बेटर होता है। चलिए, थैंक यू सर बात करने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।